पैकर पेटी गाड़ी के भीतर धरली रोटी जिना खानी खा लियो यारा की भूख भी मरली बाबा का होना तांडव ताऊ ना टोक दिए ब्यास मेरे जिगरी यार का डीजे ना रोक दिए ब्यास मेरे जिगरी यार का डीजे ना रोक दिए बाजन दे खासा याले डीजे ना रोक दिए ब्यास मेरे जिगरी यार का पर चौधर याद समारी खलनायक पैना चूंगा पी के न बारी बारी राणा जी माफ कर दियो तुमके इन ठोक दिए ब्यास मेरे जिगरी यार का डीजे ना रोक दिए ब्यास मेरे जिगरी यार का डीजे ना रोक दिए ब्यास मेरे जिगरी यार का जब खास हो मौका भीतर मैं आग से पूरी बेशक ते भर लो होका मुड़ के ना मिलना मौका पावर ना चौंक दिए ब्यास मेरे जिगरी यार का डीजे ना रोक दिए ब्यास मेरे जिगरी यार का डीजे ना रोक दिए ब्यास मेरे जिगरी यार का नाचन तै नाटे कर दो उपसीरी बीरी यारा ने फर्क नी पड़ना ताजा बेची से जीरी पुरसट से लीर मलीरी डॉगी ना पोंक दिए ब्यास मेरे जिगरी यार का डीजे ना रोक दिए ब्यास मेरे जिगरी यार का डीजे ना रोक दिए ब्यास मेरे जिगरी यार का डीजे ना रोक दिए ब्यास मेरे जिगरी यार का डीजे ना रोक दिए ब्यास मेरे बेल बोटम में फसे रेत बैरिया के मारन नया के पाछे मीडिया रे फोटो आन तारन बैक बाइट करे खड़े हो के बैक में बैक बेंचर सा सारे बेटे समझ तू कारण तेरे मंत्री रे लिंक मरे सुना से तू पावर में बहु राम कोनी फस जूंगा जो फलावर में फूल में तू नया लिली शाही गेड़ के आज तना मैं नवा दू बेटे ट्यूबल वाले सावर पर मेरी से मेहनत बेटे पानी मारे आया नाम मिडल फिंगर राखी अप करके अप करके मिडल फिंगर राखी अप करके अप करके मिडल फिंगर राखी अप करके भगत योड़ा सेरा घी जो खाल नीली छतरी रयाले त्री मेर बा कमाल 11 वाट का करंट देऊं काली शाही तेरे इस दुनिया पहचाना तेरा यार हर हाल वे शुरू वाले ईव लग यार सारे गेल सही सार टूर दिल्ली है किसान नयाली मेल सैम इन्हे गेल बैठ के न मैं फिल सजाई तेरे बर क्या के पेंडिंग आम पड़े मेल सैम तल तल तल्ले बाज फिर ऐसे स्कीम लान ने पर लिकड़ ऐसे खासा याला हप कर के हप कर के हप कर के मिडल फिंगर राखी अप कर के अप कर के अप कर के मिडल फिंगर राखी अप कर के
एक मौत का सौदागर भी गेल रवैसे, जो बीच मगरारी के रे तेल रवैसे, जित भी रह गए और छाप छोड़ दी, जिबे अपनाए हेड और टेल रवैसे, उसकी मान फिकर होया करे सर, जिसके रे लाल मजिगर होया करे सर, मौज ली रे रोज ली रे ना मिली तो खोज ली रे, महफिला में यारा का जिक्र होया करे सर, इसी महीना बैठ खाई हवा यार ने, करया सर राजी राम तप करके, तप करके, तप करके, मिडल फिंगर राखी अप करके, अप करके, अप करके, मिडल फिंगर राखी अप करके। ताना चिल्ला रे मैं चिल्ला सू हालात कर, लाख मर रेट उठ मेरी कई बात का, वन मैन आर्मी में कल्ला आया था, चाल्या सब ते अलग हिस्सा बनया नाम खात का, पाप के सिवाय कोई लाइफ लाइन ना, और देख के गुलाबी नोट करूं साइन ना, लोग बैठ मारी गेल फील करे शक्के, और जो सियारा ने घुमा दे इसी बनी वाइन ना, देखे सपने जितने जोर तू लावेगा, यार बनया ना रे कोई नाम, जप करके, जप करके, जप करके, मिडल फिंगर राखी अप करके, अप करके, अप करके, मिडल फिंगर राखी अप करके, मिडल फिंगर राखी अप करके, क्राइम आफ्टर द ड्रग्स टू एक्सटॉर्शन, आई नो माय मदर वाज फिंगर राखी अप करके। बेशक नाम एक कोख के फेर भी अपने चर्चे से, रिस्पेक्टेड लाइफ जीरे साना थाना भीतर परचे से, जय और वीरू वाली जोड़ी जिंदगी बनगी सोले रे, चले पैरा रे बने आली देखे खड़े पटोले रे, दो चार कमीस तेरे मैं तेरी खूबी गिनान न जी कर रहा, तेरी कमियां ने मैं सह लूंगा, तुम कर ले जो तेरा जी कर रहा, बदले ना वे यार रे प्यारे टेमर बदलया यारा ने, स्प्लेंडर ते रोड वेज और रोड वेज ते कारा में, चूरू से तो नू लागे फांसी का बंदा गल्या हो, अकबर के दरबार ते लागे बिरबल ऊट कचल्या हो, बाकी रिश्ते है दिए राम ने, एक तुमने बनाया से, कोई पूछे जे इनकम मेरी बस तू ए मने कमाया से, गाने बाजा गाड़ी मर धक 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 हाले पेस, टीवी आले सपने थे उड़े आज कल दिखा अपने फेस, गम्मा की मट्टी ते उठे राज करा सा सहरा पे, ये डॉलर आले नाचे सर तेरे यार के लहरा पे, देख अजूबे गलिया में आ दुनिया तो निरचोकन की, तू ठंडा खाय और ताता ना या दुनिया तो सह भोकन की, राजदार से मेरा ओए मेरे राज तेरे मैं जीवे से, कोई और न तेरे सिवा जाने, खासा याला भी पीवे से, देख बैठ के यारा मैं तन फीलिंग न्यारी आवेगी, मोटे मोटे पैग चलेंगे सुतरी रोटी भावेगी, वो खाना मेरी गेल तू करिए जा उठ भरोसा यारी ते, जो चाहिए से वो मांग लिए खाते मैं तेरी उधारी से, तेरे
ते पला जाऊं ओ तेरे कंधे लाश मेरी खासा की माटी में मिल जू ये आखरी आस मेरी पेटी लेके आई है तू यमराज गेल भी पीवांगे एक बोतल की देकर रिश्वत जिंदगी ऊपर जीवांगे नीली छतरी आला भी वो तरसे अपनी यारी ने बैठा बैठा हंसदा होना जिंदगी अपनी प्यारी ने खाला सूट काली जुत्ती तिले आली रे खाला सूट काली जुत्ती तिले आली रे लोर तू पदार्थ नजिले आली रे छेड़ा दिल के तू तारे ओ पलाजो आली रे तेरे हाई ही ले आउट स्टंप करे से शुरू तै शकीन रहा काले रंग का तेरा गोरा रंग काल जैन पंप करे से शुरू तै शकीन रहा काले रंग का तेरा गोरा रंग काल जैन पंप करे से कौन बटर सकोच का तू लेके हाथ में सब के तू काल जे मचाया करे से माखर सुने संगीत खासा आले के कोठे चढ़ के तू होली होली गाया करे से नजरा के तीर तू चलाया करे से डेली पांच सात आस कान डंप करे से पांच सात आस कान डंप करे से मैं शुरू तो शकीन रहा काले रंग का तेरा गोरा रंग काल जे न पंप करे से शुरू तो शकीन रहा काले रंग का तेरा गोरा रंग काल जे न पंप करे से ओए 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 मार्च ते आजा तेरी जिंदगी ट्विस्ट में साइड आली सीट पर दे जू तने लिफ्ट में मुद्दे आले कार खाड़ा लग गया मैं नाम हो जागा रे ऐड मर वोटरा की लिस्ट में कर देना हाँ बने तेरा रखवाला तेरी खातर यो डेली ड्यूटी बंक करे से मैं शुरू तै शकीन रहा काले रंग का तेरा गोरा रंग काल जैन पंप करे से मैं शुरू तै शकीन रहा काले रंग का तेरा गोरा रंग काल जैन पंप करे से गोरा रंग काल जैन पंप मजा आओगा दूंगा हरियाणे ते उड़े फ्लाइट हो लैंड
शिकार तख्ते हो जा यार तेरे तो रम की ला दू बोतल फिर बैग बनाइए ताटे तू उस सापुर आले होटल पैर स्टूडियो पला कह रही है तू यो जाओ मेरा लाडला बेटा छाती तान कह कही है तू करने में तेरा मन मिल रहा बाबू और क्या है की लोड नहीं माँ मेरी देवी माँ वर्गी और तेरे ते बड़ा गोड नहीं नशे पते का हाथ ना लाऊ करूंगा रोशन नाम तेरा ठेका ना मन दुनिया का बस कर परा उड़गाम तेरा मेरी खातर तोड़ा गात तन बलदा की जू खेता मैं जेंटलमैन बना दिया तू आप रुला तारेता मैं असूल तेरे मेरे दिल में बसरे माड़े दिन भी याद मने सारी कैन पुगा दू बाबू जो कर राखी पर याद तने तीन मंजिला पावे कोठी बैठे मोर मंडेरे पैदा देख नाम की नाम प्लेट जुला गए लैट अंधेरे में खुला से स्वाद घना था बाबू रे तेरे कंधे आरे दुनिया का लाखा मैं भी आ ना जो मजा था तेरे कुल्ला का दिल्ली छतरी आरे राखिए ख्याल मेरे माँ बापू का दंद माया मन ना कहिए घर रह जमान ऐसा तू का जोशिया के पाछा फिर तेरे होनी कोई और रहे तूए जर पला जी पकड़ा मन गोर रहे फेक बंदे फेक प्यार दुनिया काली पर तेरे तेना पला कोई देखा प्योर रहे व्हाइट शर्ट या तेरी काले पट्टना याली काली पेंट रे तेरी उच्च टक्कना याली मेरे दिल के मासोर उठा झूम झूम कह जनू सुनी कोई न्यू दसूप घटना याली प्यार प्यूर देख मन कर नया वर तू सिद्धत तमांगी होई फर याद से तेरी गल तेरी गल तेरी गल तेरी गल तेरी गल जिंदगी में जीण का स्वाद से तेरी गल तेरी गल तेरी गल तेरी गल तेरी गल जिंदगी में जीण का स्वाद से बाई आली वैल्यू बाई बट्टे साथ तू दिल के मारो है हर दम साथ तू रणदीप हुड्डा की जूठेठ देसी आमरो है डट जिस बगरारी मेरी वाए बात तू धागा रेशमी तू बांधा छोरे दाए पैर में तेरी चर्चा सुनी थी काल मेरे शहर में दिल के सनेचराम नाम सुनिया तेरा रे तू बन के सुनामी आवे मंद लहर में मेट्रो ने छोड़े आई हरियाणे मरन यूं तो मेरे पछ छोरा की आया तुर तराब से तेरी गल तेरी गल तेरी गल तेरी गल तेरी गल जिंदगी में जीण का स्वाद से तेरी गल तेरी गल तेरी गल तेरी गल तेरी गल जिंदगी में जीण का स्वाद से
जे जे तू करे मेरा ख्याल तेरी रीज मैं पुगा दूंगी सोचन ते पहला सब करके दिखा दूंगी वेख तन्ने और मेरे आँखें के सिवाय उके काट के न जुत्ती एक कान पे जमा दूंगी जब कट मेरा फोन बहुत गुस्सा मन आवर इतनी बता दे क्या तो जाने कैसे तावर मोर कुछ तेरे याद रवे या ना रवे खासा गाम का तू नाम हर गाने के मजावर इतनी सी बात रे तू मेरी मान ले ना तो जिंदगी आजाली मन लाग बर्बाद से तेरी गैल तेरी गैल तेरी गैल तेरी गैल तेरी गैल जिंदगी में जीने का स्वाद से तेरी गैल तेरी गैल तेरी गैल तेरी गैल तेरी गैल जिंदगी में जीने का स्वाद से तेरी गैल तेरी गैल तेरी गैल खासा आले तेरी गैल जिंदगी में जीने का स्वाद से तेरी गैल तेरी गैल तेरी गैल खासा आले तेरी गैल जिंदगी में जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो जाए कभी गलत नहीं हो सकता। एक सेकेंड ये क्वेश्चन यहां से चल के यहां तक खत्म हो गया। मुझे आंसर चाहिए साथियों, आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। इसका अर्थ क्या है? राजीव वो खिलाड़ी है जिसे हम पसंद करते हैं, उसने 300 रन स्कोर किए हैं आज। क्वेश्चन नया बन गया, नया क्वेश्चन है भाई, दिस इज द न्यू क्वेश्चन। जल्दी से बताओ फटाफट आंसर क्या होगा भाई। मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैं नहीं जानता क्या आएगा, आप बताओ। V1 S1 V2 S2, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिला के ये क्या बन गया? V3। तो इस बार वर्ब कितनी हो गई बोलो रे, सब्जेक्ट कितने हो गए? अब देखो, अब आपको लिंक कब मिलेगा वो देख लो ध्यान से, ठीक है? लिंक कब मिलेगा बुक का वो सुन लो ध्यान से। एक तो भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बुक के लिए फोन मत किया करो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अकेला फोन मिला रहा हूं और मेरे पास आते हैं एक घंटे में लगभग 300-400 कॉल, ठीक है? मेरा फोन आजकल 400% बैटरी खींच रहा है, दिन में चार बार चार्ज करना पड़ रहा है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति मत पैदा करो कि मैं कहीं गंगा जी में जाके स्नान करने जाऊं और वहीं पर रह जाऊं, ठीक है? तो ये स्थिति उत्पन्न मत करो मेरे सामने। अब बुक का लिंक सुन लो कब डालूंगा। पहली तो बात, आपको फोन नहीं करना, आज का जो आपका दिन है वो बुक ऑर्डर करने का दिन है। अगर आपने अभी 5 बजे बुक ऑर्डर कर दी, ऐसे तो नहीं मैं रात को पोस्ट ऑफिस में दौड़ के जाऊंगा कि आपकी बुक जमा करने, ठीक है? आज पूरी रात जो है आप क्या कह सकते हो, कल 10 बजे तक का टाइम जो है वो आपका ऑर्डर करने का टाइम है, उसके बाद ही बुक आप पर भेजी जाएगी, तो इतने बेसब्र मत बनो। दूसरी बात, स्टार्ट करते हैं आगे सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? नमस्कार बेटा, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार सभी को, जय महाकाल। चलो तो जो सारे के सारे नए बच्चे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बताऊंगा, कैडेट डिफेंस एकेडमी, जिसको आप ज्वाइन करेंगे। PDF, इफ यू वांट ऑल PDFs, देन यू विल ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। लेकिन उससे पहले आप चैनल जहाँ पे आप चैनल को देख रहे हैं वहीं पे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे, और इसके बाद हम कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है? आपकी वॉच बहुत अच्छी, अच्छा बहुत बढ़िया, शुक्रिया जनाब वॉच के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज मॉक टेस्ट, आज का हमारा पहला मॉक टेस्ट है। एक बार जल्दी से फटाफट सारे के सारे शेयर मारो और लाइक करो ताकि सारे के सारे बच्चे एक बार पहुंच जाएं, फिर उसके साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सभी का फिर स्कोर भी देखना होता है, फिर एक दो क्वेश्चन छूट जाता है तो अच्छे से स्कोर नहीं हो पाता है। जल्दी फटाफट जल्दी से 30 सेकंड के अंदर अंदर सारे के सारे शेयर मारो जरा फटाफट। लाइक और शेयर एक साथ चलते रहने चाहिए बेटा, जल्दी फास्ट। आने के लिए तो खड़ा हुआ हूं इतने 2 महीने से आप लोग के साथ। अभी इंग्लिश की मैराथन के लिए तैयार है ना सारे के सारे, सैटरडे को क्या घंटे की मैराथन लूं बताओ जरा। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पढ़ लोगे, आधे घंटे तुमसे बैठ के पढ़ा नहीं जाता। हाँ भाई,
कितनी देर बैठ के पढ़ सकते हो तुम लोग? हाँ, उसमें मिसलिनियस कराऊंगा, मिसलिनियस क्वेश्चन बुक से कराऊंगा, ठीक है ना, बुक का ही सॉल्यूशन कराऊंगा मिसलिनियस क्वेश्चंस का, ठीक है। बताओ कितने घंटे पढ़ सकते हो, कितने घंटे का जोश है तुम्हारे अंदर लगातार पढ़ने का? 12 घंटे बैठ जाओगे भाई साहब? मैं 12 घंटे, चलो अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रेस्ट ले लूंगा एक दिन का, लेकिन तुम्हारा लिया गया रेस्ट एक दिन का बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को, हालांकि मैंने भी अगर रेस्ट ले लिया तो नुकसान तो तुम्हारा ही है ना उसमें। इस समय रेस्ट तुम लो या मैं लो, बात एक ही है, पाली होती है, ठीक है। तो भी मेरे बाद मेरी क्लास होगी, मेरे बाद ओपी पटेल सर की, फिर मेरी 8 बजे द वो कैब शो, और 8 बजे के बाद जैसे ही मेरा 9 बजे फिर वो कैब शो खत्म होता है, फिर 9 बजे से बैक टू बैक फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज आपको पता ही है मैराथन क्लास है, तैयार रहिए मैराथन क्लास के लिए सारे के सारे बच्चे। तो कहानी को शुरू करते हैं बेटा। हाँ, एक्स ग्रुप की फिजिक्स की क्लास होगी बच्चा, ठीक है, चलो। और कल, कल किसकी क्लास है भाई? कल वाई ग्रुप की मैथ्स की मैराथन क्लास है। तो अब हर दिन एक मैराथन क्लास होगी, ठीक है। और परसों कौन सी होगी, शायद क्या पता मेरी भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरी सैटरडे की तो फिक्स है अभी, बाकी देखते हैं अभी बीच में किसकी होगी। हाँ, एक ओपी पटेल सर की भी मैराथन क्लास आने वाली है, ठीक है। और बाकी सैटरडे संडे तो आपको पता ही है दोनों टीचर्स की, किस किस की कौन कौन सी क्लास होगी, ठीक है बेटा। चलो तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, आप थोड़ा सा स्पीड में आ जाइए, एक बार लाइक करना शुरू कर दीजिए सारे के सारे बच्चे, लाइक और शेयर करो फटाफट तेजी से, ठीक है ना। हाँ, धड़ धड़ सर की कल होगी क्लास, ठीक है, वाई ग्रुप की कल होगी। आज मैराथन कितने बजे से है? आज रंग काला पड़ गया ना, तो इसलिए नेगी ने सोचा कि सर का रंग थोड़ा गोरा कर दूं। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल जो भी नए स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं, बेटा बहुत सारे नए स्टूडेंट आप जब क्लास देखते हो तो अगले दिन फोन करते हो कि सर क्या हम यहां से भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी लगातार अच्छी की है और हमारे साथ आप मॉक टेस्ट अभी से भी कर रहे हो तो आप कर सकते हो क्रैक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 10-12 दिन भी बहुत होते हैं। लेकिन अगर आपने पहले क्या किया नहीं किया तो अब ये सोचने का पूछने का समय नहीं है, अब तो सीधा है टारगेट को हिट करना है, ठीक है ना बच्चे। तो हर बच्चा कोशिश ये करे कि पूरा ताकत लगा दे, चाहे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 10 दिन पहले आप तैयारी कर रहे हैं, आपको हर बच्चे को कोशिश करनी है। ये नहीं कि होगा या नहीं होगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। मुझे पता है आपकी दिल की धड़कने जो बहुत तेज चल रही है, ठीक है, और क्यों ही ना चले, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो बच्चा तैयारी करता है मेहनत करता है उसी के दिल की धड़कने तेज चलती हैं, और उसी टीचर के दिल में भी धड़कने तेज होती हैं। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नए नए मॉक टेस्ट बना के ला रहे हैं रोजाना, सुबह शाम मैं आपके नंबर भी पूछूंगा मैं दोनों मॉक टेस्ट के आज, ठीक है ना। तो देखो सीधी सी बात यह है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि हर मॉक टेस्ट में कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। कई बच्चे कह रहे हैं सर कई बार मेरे मॉक्स में 18-19 आ जाते हैं, आपके मॉक में कई बार 9-10 रह जाते हैं। तो आपको पता है कई बार मॉक बहुत टफ हो जाता है, कई बार इजी हो जाता है। तो यहाँ नंबर आपके लिए मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है कि आप चीजें नहीं सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट में मुझे तुम्हें 20 में से 20 दिलाने होते तो मैं बहुत आसान आसान से क्वेश्चन डाल देता, लेकिन उसका कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छे बच्चों की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह सोच समझ के चलो, क्योंकि पेपर देने जा रहे हो तुम लोग, तुम्हें पता है अच्छा और बुरा क्या, कैसा कंटेंट है, क्या चीज है, वो सब बहुत अच्छे से आप जानते हो। तो चीजों को नए नए सीखने की कोशिश करो, और टेंशन न लिया करो कि सर नंबर कम रह गए या कुछ हो गया, ये सब चीजों पे बिलीव करोगे तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी, डीमोरलाइज हो जाओगे, और डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर द बेस्ट गाइज। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश करोगे उतना स्पीड से मैं आगे चलूंगा, ठीक है ना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है, आज का पहला मॉक टेस्ट आप लोग के सामने है, फटाफट एक बार जल्दी से सारे के सारे लाइक करते चले जाओ। आपकी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूं, तो चलिए फर्स्ट टाइम अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो होपफुली आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, हम कोशिश करेंगे कि आपका समय बर्बाद ना हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो आज की क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, बहुत तेजी से आंसर देना स्टार्ट करो, जल्दी बहुत तेजी से फटाफट। द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव ऑन द स्क्रीन इज, सर आप देख एकदम हिमेश रेशमिया जैसे लगते हो, यहां आंसर दे ले यहां, ये कॉम्प्लीमेंट बाद में देता रहना, 5 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवाने हैं क्यों भाई नालायक? चलो भाई अबे तुम बातचीत मत करो, शांति से बैठो। ओके गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन इज ऑफन, इफ समथिंग हैप इफ समथिंग हैपेंस ऑफन इट मींस
वो रोजाना मतलब रेगुलरली होती है। कैसे होती है? सेटिंग करते टाइम सब जल्दीबाजी में हुआ तो उसके सेटिंग करते समय जो आंसर की में है वहां कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, बाकी जितना भी है एरर्स का पार्ट है चैप्टर वाइज है वो सारा ठीक है, सब कुछ सही है बिल्कुल। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईडियम्स फ्रेजल वर्ब्स जो पैसेज दिए हैं 70 समथिंग वो भी ठीक है, लगभग लगभग सारा सही है। बस जो मॉक टेस्ट है तो अक्षय ठाकुर बेटा या जो भी बच्चे बोल रहे हैं वो सब जो है मैं सभी को बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी पीछे का मटेरियल कर लीजिए, जो मॉक टेस्ट है इसको छोड़ दीजिए क्योंकि मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को करा दूंगा 25 तारीख के बाद, लगभग एक हफ्ते में पूरे मॉक टेस्ट खत्म करवा दूंगा, उनकी आंसर की जो है अभी रुक जाइए वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी पीछे का जो जो मटेरियल है उसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स या पैसेज वो सब सॉल्व कर लीजिए, वो कैप सॉल्व कर लीजिए जो मिसलिनियस दी हुई है। मॉक टेस्ट जो है स्टार्टिंग में वहां कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है क्योंकि बहुत जल्दबाजी के चक्कर में आप लोगों ने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, तो उसकी जो आंसर की मैं लिखवाऊंगा जो मैं सही कर रहा हूं वही आंसर की आप लोग लेके चलना, ठीक है ना, उससे फाइनल करेक्शन भी हो जाएगा, ठीक। चलो बाकी जो बच्चे नहीं पहुंचे टेंशन न लीजिए, मैं मॉक टेस्ट इसीलिए करा रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो अब जैसे देहरादून में मिल गई बच्चों को, आसपास के एरिया में मिलती जा रही है, तो ऐसे ही एक एक दिन जो है जितना दूर है वो उसी हिसाब से पहुंचती चली जाएगी, ठीक है। जैसे